इस रचना का नाम है उधार का अनंत आकाश। उधार लेना एक कला है और उधार लेकर उसे नहीं लौटाना उससे बड़ी कला है। इन परस्पर बीए एमए का संबंध है, यानी जो एक बार बीए कर लेता है वो धीरे धीरे एमए कर ही लेता है। जो उधार लेता है वो उसे नहीं लौटाना सीख ही जाता है। ये साधना है, जो इसमें सिद्ध हो गया उसका जीवन सफल है। सतत प्रयास, सूझबूझ, धैर्य, मधुर भाषण और अधव्यवसाय से आदमी उधार लेने और ना लौटाने में कुशल हो जाता है। मानव सभ्यता की कहानी परस्पर उधार की कहानी है। पशु आपस में उधार नहीं लेते। उधार के मूल में गहरा दर्शन है। क्या है मैं कह नहीं सकता, मगर कोई होगा जरूर जो गुण हमारी राष्ट्रीय और निजी जीवन की विशेषता बन गया है, उसके मूल में कोई दर्शन जरूर होगा। उधार लेना मनुष्य के आशावादी होने का सबसे बड़ा प्रमाण है और उधार देना तो आशावाद की इंतहा है। हमारा जीवन, समाज सारा उधार पर टिका हुआ है। मानव जाति दो भागों में बटी हुई है, एक वो जो उधार देते हैं और एक वो जो उधार लेते हैं। कई लोग इस उम्मीद में जी रहे हैं कि उधार वसूल कर लेंगे और कई लोग इस विश्वास से जी रहे हैं कि कभी नहीं लौटाएंगे। उनका जीवन सफल है। उधार ही वो धार है जो सतत चली आ रही है। हमारे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन के खेत उसी से लहला रहे हैं। ये जीवन धारा है, अमृत धारा है। हमारे देश में उधार के लिए सबसे अच्छी परिस्थितियां हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पुनर्जन्म का सिद्धांत है। आदमी जानता है कि यदि इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में तो लौटा ही देगा। आत्मा स्थायी पूंजी है, शरीर एक बटुआ है, महत्व बटुए का नहीं, लेन देन की उस महान परंपरा का है जो चली आ रही है। हर पुरानी पीढ़ी नई पीढ़ी के नाम पर कर्ज छोड़ गई है और हर नई पीढ़ी ने कर्ज चुकाने से साफ इनकार कर दिया है। उधार एक परंपरा है और उधार ना लौटाना परंपरा से विद्रोह। खालिद जो उधार की पी गए उसे क्या बात के शायर चुकाएंगे? निराला ने जो कर्ज लिए वो क्या हम लौटाएंगे? नहीं, हम गालिब और निराला के वंशज हैं। हम नया उधार लेंगे, पुराना लौटाएंगे नहीं। जो अंगूठा दिखा सकते हैं उन्हें ही हाथ फैलाने का अधिकार है। हम सर से पांव तक कर्ज में डूबे हुए हैं, लेकिन आप क्या मछली को पानी में डूबा हुआ कह सकते हैं? यही तो उसका जीवन है। हमें कर्ज के पानी से निकालोगे तो हम तड़पने लगेंगे, हम फिर पानी में कूद जाएंगे, यानी फिर उधार ले लेंगे। और आदमी क्या, देश भी उधार लेता है। हमारे वित्त मंत्रालय को चाहिए कि वो अपने कार्यालय के सामने कोलंबस की प्रतिमा लगाए। यदि वो अमेरिका नहीं खोजता तो हम किससे उधार मांगते? और फिर अमेरिका क्या, आप जो देश बताइए हम उससे उधार ले लें। ये सृष्टि कितनी विराट है, कितने देश हैं, कितने द्वीप हैं छोटे छोटे, हम सबसे उधार ले सकते हैं। यदि हम सबसे थोड़ा थोड़ा उधार ले लें तो उनका तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, हमारा बजट बन जाएगा। उधार की सीमा अनंत आकाश है, वो चांद, वो सितारे, एक रॉकेट चांद की तरफ जा रहा है। कोई हमारे वित्त मंत्री को उसमें बिठा दे, वो वहां से भी कर्ज ले आएंगे। ये आकाश कितना फैला हुआ है और हमें तो थोड़ा सा, सिर्फ थोड़ा सा कर्ज चाहिए। कुछ लोग कर्ज को भार मानते हैं, मगर कर्ज भार नहीं है, ये तो गैस का गुब्बारा है जो हमें ऊपर उठाता है, आकाश की सैर कराता है। अगर गैस का गुब्बारा बड़ा हो जाए तो वो कोई भारी नहीं होता। जब से बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ है तब से कर्ज लेना ना हमारा अधिकार है बल्कि कर्तव्य भी है। उधार लेना राष्ट्र के विकास में सक्रिय योगदान देना है। बैंक इशारे करके बुला रहे हैं,
फुसला रहे हैं, बहका रहे हैं, कर्ज ले लो, कर्ज ले लो। चारों तरफ इतने सारे बैंक और बीच में मैं अकेला, मैं क्या कर सकता हूँ? अर्थ की इन मेनकाओं के सामने मेरे धीरज का विश्वामित्र टूट जाता है, यानी मैं उधार ले लेता हूँ। चांद, तारे, अमेरिका, रूस, जापान, जान अनजान मित्र और इन अनगिनत बैंकों वाले संसार में हमें उधार लेने से कौन रोक सकता है? उठो और उधार लो। देखो, तुम्हारे पास ही वो शख्स बैठा है जिससे तुम उधार ले सकते हो।